हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक वेट लॉस रेसिपी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है इधर सूजी और ये 2 कटोरी सूजी है। तो सबसे पहले हम एक बैटर तैयार करेंगे, इसको हम जार में ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। मैंने सेंधा नमक लिया है और थोड़ी सी इसमें खांड लिया मैंने। एक कटोरी दही और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको हमें ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, एक अच्छा सा फाइन सा बैटर बन गया और फ्लोइंग सा ही हमें बैटर चाहिए। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। बैटर को मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है। इस बीच हम छोले रेडी करेंगे और ये छोले मैंने काबुली चने वाले लिए हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक ऐड किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज छोटा सा कट करके, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और ये है इमली का पल्प। आप नींबू भी ले सकते हैं इसकी जगह। थोड़ा सा आमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक मैंने बॉईल करते वक्त भी डाला था तो थोड़ा ही ऐड करेंगे, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, छोले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए, बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम 1 चम्मच फ्रूट सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और इसमें घी तेल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो बैटर हमने बनाया था वो हमें स्प्रेड करना है और हमें इसको छेड़ना भी नहीं है। जितना ये फैलेगा अपने आप हिसाब से फैल जाएगा। बस अब सिकने तक वेट करते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे ड्राई हो गया है और इसके ऊपर कितनी अच्छी जाली आई है। अभी धीरे धीरे सिक जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब ये सूजी अप्पम बिल्कुल रेडी है। ये देखो, मैं आपको इसको नीचे से भी दिखाती हूँ कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आया है। ये देखिए, एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। बस बैटर स्प्रेड कर दीजिए ऐसे ही, अब सिकने तक वेट कीजिए। तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल ड्राई हो गया है ऊपर से और ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, नीचे से मैं दिखा देती हूँ कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है। तो ये लीजिए, वेट लॉस रेसिपी सूजी अप्पम विद छोले बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।